दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बॉडी लैंग्वेज का डीप नॉलेज दे रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी मोटी मोटी चीज़ों की जिनके ऊपर आम तौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। जब जब हम अजनबी लोगों के बीच में जाते हैं और तब हम अपने किसी क्षेत्र किसी एरिया पे हम कब्जा करना चाहते हैं तो हम किन सिद्धांतों का पालन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में टॉकीज में यानी फिल्म उसमें पिक्चर हॉल में, दूसरा स्क्वैश कोर्ट में टेनिस के कोर्ट में टॉवेल अपना टांगने के लिए हुक पे, या लाइब्रेरी में बैठते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, किन सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो आम तौर पे रिसर्च से ये पता चला कि जब आप सिनेमा हॉल में यानी टॉकीज में जब आप सीट का चयन करते हैं, आप बैठने जाते हैं, तो आम तौर पे हम एकदम कॉर्नर की सीट चुनना पसंद नहीं करते। 99 लोग कॉर्नर की सीट को लेना पसंद नहीं करते। हम कौन सी सीट लेना चाहते हैं? हम आम तौर पे जो कॉर्नर की सीट हो और जो व्यक्ति बैठा हो उन दोनों एरिया के बीच की सीट चाहते हैं। यानी कोई भी किनारे का एरिया प्लस कोई व्यक्ति जहां बैठा हो उन दोनों के बीच का जो एरिया होता है। इसका एक मेन पर्पज क्या है? इसका मुख्य पर्पज ये होता है कि जो अजनबी हमारे साथ बैठे हुए हैं उनसे मेरी दूरी भी ना रहे बहुत ज्यादा और एकदम नज़दीकी भी ना रहे, तब हम कंफर्टेबल फील करते हैं। रिसर्च से ये पता चला कि जब हम अपना टॉवेल या अपना जैकेट या अपनी कोई चीज़ किसी हुक पे जो सार्वजनिक हो वहाँ हर कोई टांग सकता है, अगर हम टांगे जाते हैं तो देखा गया आम तौर पे लोग बीच वाले हुक का चयन करते हैं। यानी एकदम किनारे वाला हुक भी नहीं चाहिए, एकदम स्टार्टिंग के जहाँ से शुरू होता है वहाँ का भी नहीं चाहिए, हमको बीचों बीच का लोग पसंद करते हैं। मान लीजिए किसी का पहले से वहाँ पे टॉवेल या उनका जैकेट या शर्ट जो भी है वो टंगा हुआ है पहले से, तो उस लोकेशन और लास्ट या एंड का जो लोकेशन है उसके बीच में थोड़ी सी गैप करके हम अपने कपड़े को टांगना चाहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप रिसर्च के बाद आप इसको बिलीव करेंगे, हाँ वास्तव में ऐसा होता है, हम कैसे चाहते हैं कैसे पसंद करते हैं। लेकिन इसका एक अपोजिट, इसका अपोजिट भी एक कॉन्सेप्ट है, वो देखा गया टॉयलेट में। टॉयलेट में देखा ये गया कि आम तौर पे यूरिनल के पास अगर लोग जाते हैं या टॉयलेट में भी गए तो लाइन से टॉयलेट बने हैं, आम तौर पे यूरिनल या टॉयलेट के लिए लोग पहले किनारे के टॉयलेट को प्रेफरेंस देते हैं। यानी हम किनारे वाले पे ही जाना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई और वहाँ पे है पहले से है, तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति और बीच वाले जो टॉयलेट होते हैं या यूरिनल है उन दोनों के बीच के एरिया को चुनते हैं। मान लीजिए कॉर्नर पे कोई पहले से है तो कम से कम उसके बगल का हम छोड़ करके एक या दो यूरिनल छोड़ के हम प्रेफर करते हैं जाना।
ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बीचों बीच के कॉन्सेप्ट का अपोजिट है, बीचों बीच के कॉन्सेप्ट का एकदम जस्ट अपोजिट होता है। आमतौर पे इस रिसर्च का एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट क्या है, हम हमारे आसपास अजनबी हैं तो हम उनसे एक लिमिट बना के चलते हैं, ना उनके हम ज्यादा नजदीक जाना चाहते हैं और ना एकदम से उनसे हम दूरी बना लेते हैं। क्योंकि अगर हम दूरी बना लेते हैं तो वह व्यक्ति संकोच करता है, वह व्यक्ति बुरा मानता है और वो मुझे पसंद नहीं करेगा। लेकिन एकदम नजदीक भी हम किसी के अगर जाते हैं तो भी वो मुझे पसंद नहीं करता। इसलिए बीच का कॉन्सेप्ट है, ना बहुत दूरी ना बहुत नजदीकी, यानी ना इसका रिजल्ट का परिणाम हो गया ना एकदम नजदीक ना ही एकदम दूरी। अब इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप अजनबी लोगों के साथ बिहेव कर सकते हैं। अब आते हैं हम एक और बात पे, जैसा कि इसके पहले वीडियो में बात किया था, ग्रामीण वर्सेस शहरी। मान लीजिए अर्बन एरिया का कोई व्यक्ति है और एक रूरल एरिया का व्यक्ति है, वो लोग मिलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज हम बताते हैं कि जो व्यक्ति रूरल एरिया का होता है वो क्या कैसे अजनबी या लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है शेकिंग करते समय, और अर्बन एरिया के लोग कैसे शेकिंग करते हैं। रूरल एरिया के लोगों की सेटिंग, कभी आपने आप अगर वॉच कीजिए अपने आसपास, बॉडी लैंग्वेज को आप एक्सपर्ट बनना है तो इसका सबसे बड़ा काम आपको क्या करना होता है, आप फंक्शन में जाएं, अपने आसपास के लोगों को जब लोग आपस में मिलते हैं बिहेव करते हैं तो उनको वॉच करें, और जितना आप वॉच करते हैं उतने आप जानकार बनते जाते हैं। आमतौर पे बॉडी लैंग्वेज देखने का सबसे बढ़िया आपका जगह होता है बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड और एयरपोर्ट, इन सब जगहों पे लोग अपनी भावनाओं इमोशंस का खुलकर प्रयोग करते हैं। तो आप देखें अगर शहर का व्यक्ति है तो किसी दूसरे से शेकिंग करते समय उसके एरिया में इस तरीके से चलता जाता है, यानी आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो आप हैंड को भी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ कदमों को बढ़ा के उसके साथ नजदीकियां बनाते हैं। लेकिन रूरल एरिया का जो व्यक्ति होता है वो जब किसी दूसरे से मिलता है तो उससे लगभग हाफ मीटर या एक मीटर की दूरी पे अपने पांव को जमा लेता और अपने इसी धड़ को ही आगे बढ़ाता है, इस तरीके ऐसे करके शेकिंग करता, ऐसे इस तरीके से हाथ को बढ़ा के, यानी पैर अपनी जगह पे जमे रहते हैं और वो धड़ को आगे बढ़ाता है और हाथ को शेकिंग करता है। अगर आप
किसी व्यक्ति को शेकिंग करने की इस कंडीशन को देख लें तो आप तुरंत विश्वास करेंगे कि यह व्यक्ति रूरल एरिया का निवासी, और शहरी एरिया का व्यक्ति जानते हैं वो पैर को अपने थोड़ी दूरी पे जमाता नहीं, वो तो सीधा व्यक्ति के अंतरंग व्यक्तिगत क्षेत्र में एंट्री कर लेता है। तो इस तरीके से इन दोनों इन्फॉर्मेशन का प्रयोग आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही विरल एरिया से आया, यानी मान लीजिए जंगल का व्यक्ति है, आदिवासी बहुल एरिया का व्यक्ति है, जहाँ लोग दूर दूर रहते हैं, तो ऐसे लोग वहाँ के लोग दूसरे से शेकिंग करना, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका जो व्यक्तिगत क्षेत्र का दायरा होता है वो कम से कम 1 से 3 मीटर का दायरा होता है, यानी 3 मीटर की दूरी से ही वो लोग बात करना चाहते हैं। तो उन लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आपको उनसे उतनी ही दूरी मेंटेन करते हुए हाथ जोड़ना चाहिए। हाथ जोड़ के आप उनका अभिवादन कर सकते हैं और उतनी ही दूर से बात करने पे उनको रिलैक्स फील होगा। तो दोस्तों, आज ये इन्फॉर्मेशन हमें लगता है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी, और नेक्स्ट वीडियो में जो संभवतः कल आएगी उसमें हम आप लोगों के लिए नया मैटर लेके आएंगे। तब तक के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग के जीवन में दीपावली का प्रकाश ढेरों खुशियां लेके आए। धन्यवाद। नमस्कार।